खामोशिया बेचैनिया रादानिया। ये सुना, सरकार ने रॉकेट मार्स पे भेज दिया, मंगल ग्रह। सरकार ने इस दिवाली को कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया क्या? रॉकेट मंगल ग्रह तक भेजने की क्या जरूरत थी यार? नंदू, ये दिवाली पे छोड़ा हुआ रॉकेट नहीं है तो? बल्कि मार्स की स्टडी के लिए भेजा गया है। पता है, ये इंडिया का पहला इनिशिएटिव है जहाँ वो मार्स की स्टडी कर सकते हैं। और जानते हो, सरकार ने पूरे 450 करोड़ रुपए खर्च किए इस मिशन के लिए, ताकि वो मंगल ग्रह की पूरी जानकारी ले। सरकार भी ना कितना बर्बाद कर रही है हमारे टैक्स में दिए गए पैसों की यार। नंदो, मेरा मतलब तुम्हारे टैक्स में दिए गए पैसों की यार, सबके टैक्स में दिए गए पैसों की यार। अरे यार, ये जानकारी चाहिए थी ना मंगल ग्रह के लिए, तो इंटरनेट पे जाती, गूगल पे सर्च करती यार, सब कुछ मालूम पड़ जाता मंगल ग्रह के बारे में। फ्री में रॉकेट भेजने की जरूरत ही नहीं थी यार। वाह भाई वाह, तुम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? देश का कितना फायदा होगा, कितना पैसा बच जाएगा भाई। आई एम सो नॉट प्राउड ऑफ यू भाई, तुम ग्रेट हो, है ना? इसी बात पे तुझे दिवाली फ्लेवर आइसक्रीम खिलाता हूँ। कम तो नहीं होगा उसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ फ्लेवर है, आ जा। अरे ओ गॉड, ये मार्स मिशन जल्दी सक्सेसफुल हो जाए और इंसानों को भेजना अलाउ कर दे, तो सबसे पहले ना मैं इन दोनों को भेजूंगी, क्योंकि इनका धरती पे ज्यादा दिन रहना खतरनाक है। और जब खतरा उठाना ही है तो मार्स वाले उठाए, हम क्यों उठाए? देखो पप्पू। देख तो रहा हूँ भाभी। कौन है? राखी है भाभी, राखी। कौन राखी? अरे भाभी, आइटम सॉन्ग वाली राखी। अरे होने वाली भाभी बोल, होने वाली भाभी। भाई होने वाली तो हो चुकी। पप्पू, ये राखी हमारे घर में क्या कर रही है? डांस कर रही है भाभी, डांस। है कहाँ? अरे यहाँ टीवी पर भाभी। अरे पप्पू, मैं पूछ रही हूँ दरवाजे पर है कौन? दरवाजे पे कौन है मुझे कैसे पता होगा भाभी, मैं तो यहाँ बैठ कर टीवी देख रहा हूँ। अरे यार, हद होती है काम चोरी की भी। भाई क्या हो गया, भाभी को परेशान है बहुत, बेचारी राखी को काम चोर बोल रही है। इतना अच्छा डांस तो कर रही है राखी, हिल हिल के। पप्पू, मैं इतनी देर से चीख के कह रही थी, तुम दरवाजा नहीं देख सकते थे? अभी आपके कमरे का दरवाजा बंद था क्या? मैं अपने कमरे के दरवाजे के नहीं, बाहर के दरवाजे की बात कर रही हूँ। आप बाहर थी? नहीं, मैं तो अंदर हूँ। तो बाहर का दरवाजा खोलने के लिए क्यों कह रही है? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो बाहर का दरवाजा खोलने से ठीक हो जाएगा? बकवास बंद करो। सब देखो, घर में बैठे रहते हो, घर का कोई काम नहीं करते, मुफ्त तोड़ कहीं के मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, बेशरम। भाभी खबरदार, मेरे सामने कोई नाटक करने की कोशिश की, नौटंकी कहीं के, तंग आ गई मैं दोनों की बेकारी से। मुफ्त तोड़ कहीं के निकम्मे कामचोर आलसी। सही कह रही है भाभी, मैं भी तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से, मैं भी कोई और काम करना चाहता हूँ। भाई भाई चलो कोई और काम करते हैं। भाई भाई, अरे भाई भाई, भाभी इतनी इंसल्ट करके गई फिर भी तुम राखी को देख रहे हो? अरे भाई भाई सुनो ना। क्या हुआ? कुछ करो भाई, कुछ करो। बॉस क्या करना है भाई, इंसल्ट हो गई है यार, भाभी क्या क्या बोल के चली गई। क्या कह रहा है पप्पू, चंदू ने तेरी इंसल्ट की? अब मैं छोड़ूंगा मैं उसे, मेरे भाई की इंसल्ट की मैं छोड़ूंगा। आराम से भाई, आराम से। आराम से? तू कह रहा आराम से? तब से देख रहा हूँ मैं इंसल्ट करी तेरी, अब वो मेरे हाथों से नहीं बच सकती है पप्पू। इतना गुस्सा ठीक नहीं है भाई। तो कितना गुस्सा ठीक है? हाँ, इतना गुस्सा ठीक है भाई, इतना गुस्सा ठीक है। ठीक है, यही लेके जाऊंगा। कहाँ है वो? वो उधर है भाई, तुम एकदम ना भेड़िया लग रहे हो। पप्पू देख मैं क्या करता हूँ उसका, खरगोश भाई का मजा। दरवाजा जोर से क्यों बंद किया? हवा से बंद हो गया होगा वो। आराम से बंद करो। ओके। अब ठीक है, बिल्कुल नो साउंड। बेशर्मो की तरह दांत क्यों फाड़ रहे हो? क्यों बोलो चांदनी? धीरे क्यों बोलूं? मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी, वैसे भी मुझे ऑफिस में जाने के लिए देरी हो रही है। यार मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ यार। मुझे पता होता मेरा हस्बैंड ऐसा ही निकलेगा, मैं शादी ना करती। मैं ऐसा निकला नहीं था, ऐसा हो गया मैं। वैसे मुझ में कमी क्या यार, मुझे बताओ क्या कमी मुझ में? सेल्फ रिस्पेक्ट की। नहीं नहीं नहीं, उसके अलावा बताओ। इज्जत, शर्म, हया। नहीं नहीं, वो सब हटा दो, उसको भी छोड़ो, जाने दो उसको। उसके अलावा बोलो, उसके अलावा मेरे अंदर क्या कमी है? उसके अलावा मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। होना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती नंदू? आती है,
तुम जब भी मेरी तारीफ करती हो ना, मैं शर्मा जाता हूँ। चल शट अप, तुम और तुम्हारा भाई दोनों ढीठ निठल्ले कहीं के। अगर नौकरी नहीं मिलती कुछ और काम कर लो, आलू टिक्की की रेड़ी लगा लो, कल्लू के कुलचे बेच लो, वो काका की चाय बेच लो, सीपी के में जाके गैस के गुब्बारे बेच लो, कुछ तो काम करो। अब इतनी भी गैस नहीं होती। शट अप, बेशरम मुफ्तोर निकम्मे घटिया आदमी। भाभी मैं तो झाड़ू लगा रहा था। सुना दिया मैंने। नमस्ते, क्या आपने आपको आगे से कुछ बोले ना मुझे बताना। हाँ भाई, और आगे से भाभी तुम्हें कुछ बोले ना तो मुझे बताना। पकड़ो। लगता है सुन लिया इसने। हाँ हाँ, पुलिस वालों को वो कह दो शहर का चप्पा चप्पा छान मारे, मुझे किसी भी हालात में वो चाहिए। भाई वाह राजन, तुम्हारी पुलिस से काफी अच्छी जान पहचान है। बचपन से जो पाला है। क्या तुम्हें पुलिस ने पाला है? उसने मुझे नहीं, मैंने उसे पाला है। जब इतना था ना तब मैं उसे सड़क से लाया था। कौन? मेरा कुत्ता। है यार ये क्या हो रहा है? मैम आपको नहीं पता? नहीं, बच्ची खो गई है। राजन तुम्हारी शादी तो पिछले हफ्ते ही हुई थी ना? मैम मेरी शादी में नहीं, स्कूल से आते हुए खो गई। जब तुम्हारी बच्ची पैदा ही नहीं हुई तो स्कूल कैसे चली गई? मैम मैं अपनी बच्ची की नहीं, बॉस की बच्ची की बात कर रहा हूँ। बॉस की बच्ची? What is that? तुम्हारी बच्ची में और बॉस की बच्ची में क्या ताल्लुकात? मैम मेरी बच्ची अभी तक पैदा ही नहीं हुई। हाँ तो फिर गुम कैसे हो सकती है? मैम मेरी बच्ची नहीं, बॉस की बच्ची घूमी है। बॉस की बच्ची? बॉस की पोती मेरी माँ। बॉस की पोती तुम्हारी माँ कैसे हो? अरे यार एक एपिसोड के लिए आ जाता है कंफ्यूज करके चला जाता है, इडियट कहीं का। मैं कम इन बॉस। क्या हो गया बॉस? मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज खो गई है चांदनी। पर बॉस लॉकेट तो अभी भी आप ही के हाथ में है। मैं इस फोटो की बात कर रहा हूँ। क्या फोटो गुम हो गई है? क्या मेरी पोती खो गई है? ये मेरी पोती की ही फोटो है जो खो गई है। आपकी पोती की फोटो है आपके पास? ये देखो। कैसे? भाई मुझे क्या पता, मैं तो ऑफिस में बैठा। दिखाइए आपकी पोती की फोटो, दिखाइए जरा। हाय कितनी प्यारी है, कहाँ से खिंचवाई? क्या वो क्या है ना, मेरी फोटोज अच्छी नहीं आती, मैं एक अच्छा फोटोग्राफर ढूंढ रही हूँ। इस फोटोग्राफर का नंबर है आपके पास? मेरी पोती खो गई है, तुम्हें मजाक सोच रहा है? I'm really sorry sir. बॉस आपकी पोती के पास आपकी कोई निशानी है? हाँ, उसके पास भी ठीक ऐसा ही लॉकेट है जिसपे मेरी फोटो है। क्या? हाँ। आप भी गुम हो गए हैं क्या बॉस? क्या मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान किए जा रही हो। लेकिन बॉस आप परेशान मत हुई, मेरे पड़ोस में एक बच्ची थी वो भी किडनैप हो गई थी। क्या फिर मिल गई थी? नहीं नहीं, किडनैपर्स ने उसका मर्डर कर दिया। हाँ पर वो तो सिर्फ किडनैप हुई है। ये किडनैपर्स होते ही ऐसे हैं, पहले किडनैप करते हैं फिर मर्डर कर देते हैं। पर आप टेंशन मत लीजिए ना। टेंशन पे टेंशन दिए जा रही हो, अब टेंशन मत लीजिए। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।